वायरस से एक शख्स की मौत होने पर मेडिकल स्टाफ ने नाश को स्ट्रेचर से सीधे खबर में फेंक दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप 42 सेकंड के इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे कि एम्बुलेंस के जरिए नाश को कब्रिस्तान लाया गया। इसके बाद चार मेडिकल स्टाफ नाश को खबर तक ले जाते हैं और फिर नाश को एक स्ट्रेचर से दूर से फेंक देते हैं। सिर्फ यही नहीं, नाश को दफनाने के लिए किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। मुर्दा जिस्म एक सादा कपड़े में लपटा था, जबकि अखबार के मुताबिक कोरोना वायरस से मौत होने पर नाश को बैग में रखा जाता है। कोरोना वायरस से मौत के बाद एक नाश के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। पुडुचेरी में मेडिकल स्टाफ ने नाश को स्ट्रेचर से सीधे खबर में फेंक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वहां के अहदेदारों में हलचल मच गई। वीडियो सामने आने के बाद महकमे सेहत के पुडुचेरी ने तहकीकात का हुक्म दिया। कहा जा रहा है कि ये नाश चेन्नई में रहने वाले एक शख्स की थी। उसका इंतकाल कोरोना से हुआ। कोरोना वायरस के इंफेक्शन के खौफ से कोई रिश्तेदार जनाजे में शरीक नहीं हुआ। नाश तदफीन के लिए मेडिकल स्टाफ को दे दी गई। अब इस मामले की तहकीकात का मुतालबा और मुलजिमान पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा। पुडुचेरी महकमे सेहत के डायरेक्टर ने कहा कि इस मामले की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि तिब्बी अमला नाश को दफनाने में मसरूफ था। इसी दौरान स्टाफ में से एक मुलाजिम के हाथ से नाश छूटकर सीधे गड्ढे में गिर गई।